की गजनी फ्रेंचाइजी आगे। आमिर खान यानी कि संजय सिंघानिया के पास क्या है और कुछ बचा, तो दोस्तों यही सब जानेंगे आज हम वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज में, और मैं आपकी दोस्त और होस्ट हर्षिका। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी के ऊपर, जिसका नाम है गजनी। तो दोस्तों 2008 में आने वाली इस फिल्म ने हर जगह अपनी एक्टिंग और अपने एक्शन से कमाल और अपने लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। इस फिल्म को शायद ही कोई हो इस पूरे हिंदुस्तान में जिसने ना देखा हो। अब फिल्म ही ऐसी थी, टीवी पे जितनी बार आए उतनी बार पूरे घर का माहौल ही बन जाता था, पूरे घर वाले इस फिल्म को एक साथ बैठ के देखते थे। इस फिल्म को इतनी खूबसूरती से लिखा गया है, इस फिल्म को इतनी खूबसूरती से बनाया गया है, इसकी स्टोरी इतनी ज़्यादा अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, इसकी स्टोरी पक्का हार्ट ब्रेकिंग है। हमें संजय और कल्पना एक साथ नहीं दिखते, बट वो जितनी भी देर के लिए थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट था। कल्पना कितना अच्छा कैरेक्टर था ना, कितना स्वीट, कितना जॉली, कितना फन कैरेक्टर था। और वहीं पे हमारे संजय सिंघानिया जो एक बिलियनर थे, मगर तब भी कल्पना से अपनी असलियत छुपा रखी थी, क्योंकि वो थी ही ऐसी हमेशा से ही इतनी जॉली पर्सनालिटी के साथ। उनका कभी मन ही नहीं हुआ कि उसे अपनी असलियत बताए। मगर दोस्तों बोलते हैं ना, जो एक साथ बनने के लिए लिखे नहीं होते वो नहीं बन पाते, इसीलिए इन दोनों की लव स्टोरी रह जाती है आधी ही, और उसी के बाद हो जाती है फिल्म में हमारे गजनी यानी कि विलन की एंट्री। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को एक खुशखबरी दूं, तो इस फिल्म का सीक्वल बनने वाला है, यानी कि गजनी 2 बनने वाली है, जो खुद में ही काफ़ी बड़ी बात है, और जितने भी गजनी फैंस हैं मेरी तरह उनके लिए तो काफ़ी बड़ी बात है। तो अब इसका अगर सीक्वल बन रहा है तो इसकी स्टोरी क्या हो सकती है, तो चलिए हमारे पास इसके लिए एक थ्योरी है, मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों जैसे कि हमें फिल्म के एंड में दिखाया गया था, जो जर्नलिस्ट सुनीता थी जिनका रोल प्ले करा था जिया खान ने, जब उन्हें गजनी मारने जाता है तो वैसे ही हमारे संजय सिंघानिया आ जाते हैं वहाँ पे, और उन्होंने उस रॉड से गजनी को मार दिया गया था। तो दोस्तों ये होने वाला है कहानी में ट्विस्ट, और बोले तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। ये दोस्तों ऐसा बोला जा रहा है कि गजनी 2 में हमें गजनी वापस दिखने वाला है, यानी कि वो जो विलन था ना गजनी, वो वापस दिखने वाला है, जो आगे चल के सुनीता यानी कि जो जर्नलिस्ट थी जो जिया खान थी उनका कत्ल कर देगा। तो अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर ये सब होगा कैसे। और जो हमारे संजय सिंघानी है वो अपना फिर से बिज़नेस वापस से पूरी तरीके से बिल्ड करेंगे, यानी कि पूरे बिज़नेस को खुद वापस संभालेंगे। अब उनका जो शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस है ना, वो तो ठीक नहीं हो सकता, बट उन्हें अब बहुत कम कम चीज़ें भूलने की आदत है, और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें सुनीता भी याद रहेंगी और वो गजनी भी याद रहेगा, जिसके लिए वो पूरी तरीके से यानी कि पूरी तरीके से इस कहानी में भी अपनी दोस्त के लिए लड़ने वाले हैं। जैसे फोर्स कहानी में वो कल्पना के लिए लड़े थे, इस बार वो अपनी दोस्त सुनीता के लिए लड़ेंगे, जो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और मैं पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए। तो आप बताएं आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।